नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। खबर आजमगढ़ मार्टिनगंज सभागार से, जहां पर रानिक सराय प्रधान संघ अध्यक्ष नैयर आजम का मार्टिनगंज प्रधान संघ अध्यक्ष सुबह डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव सभी प्रधानों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। प्रधान संघ अध्यक्ष नैयर आजम ने कहा कि प्रधानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके कार्यों में जो बाधा बन रहे, सरकारी कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। आज हम आजमगढ़ के 22 ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष को साथ मिलाकर बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भविष्य में प्रधानों के साथ कार्यों में रुकावट ना बने। इस मौके पर मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, दिलीप यादव, ब्रिजेश पाठक, अनिल यादव, अप्पू यादव महाप्रधान। आइए दिखाते हैं संवाददाता शिवशंकर यादव की खास रिपोर्ट। वह लाइव कवरेज संवाददाता महफूज खान की बड़ी रिपोर्ट। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष रानी की सराय से नवनिर्वाचित हुआ हूँ और मेरा उद्देश्य है जो भी आज हमारे प्रधान भाइयों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग एक डेलीगेशन बना के और तभी प्रधान भाई, सभी प्रधान भाइयों और सभी 22 ब्लॉक जाकर सभी अध्यक्ष भाइयों के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा राजस्व सचिव, हमारा राजस्व सचिव लेखपाल हमारी नहीं सुनता, हमारा ग्राम पंचायत सचिव सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और सचिव की समस्या एक थी जो इससे पहले डीएम साहब थे, एमपी साहब, एनपी सिंह साहब, उन्होंने सभी सचिवों की समस्या सुनकर और एक नया पंचायत एक सचिव को दे दिया जनसंख्या के आधार पर। हम सब भी अपनी समस्याएं, तमाम समस्याएं हैं डीएम साहब के माध्यम से और सरकार से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ तमाम समस्याएं हो रही हैं। हम जो ग्राम पंचायत में सरकारी भवन है, सरकारी संपत्तियां हैं, उनके लिए दरखास्त देते हैं, निवेदन करते हैं, उसका निस्तारण समय पर नहीं होता। अगर समय पर क्लस्टर बनाकर नहीं किया जा रहा है तो उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो। और हमारे ग्राम पंचायत में जो भी सरकारी विकास कार्य होता है, जो भी भवन होता है, हमारा जो पैसा लग जाता है फर्मों का, जो मजदूरी बाकी हो जाती है, आधी मजदूरी मिलती है, आधी आधे मटेरियल के दाम मिलते हैं, तो व्यवस्थापिका में बैठे हुए लोग हैं, सरकार हैं, जो भी सरकारें हों उनसे बताइए और उनसे निवेदन करिए कि अगर हमारी ये समस्याएं, इनका समाधान नहीं होगा तो हम आधिकारिक तौर पर, हम जो भी लोग बैठे हुए हैं उन पर आधिकारिक तौर पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन हमारा दबाव, हमारा निवेदन कोई सुनता नहीं, उसकी समस्या का, जनता की समस्या का समाधान नहीं होता। और हमारे साथ चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, उत्पीड़न करता है, तमाम हमारे मूल्यों का हनन होता है। इसके खिलाफ हम लोग 22 ब्लॉक जाकर तमाम प्रधान भाइयों के सहयोग से, अध्यक्ष जी के सहयोग से, हम लोग जिला कमेटी गठन करके हम लोग जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक अपनी बात के लिए तमाम विकास कार्यों को, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, तमाम विकास कार्यों को का हम बहिष्कार करेंगे और इसका जमकर विरोध करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। प्रधान संघ एकता जिंदाबाद। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान। और जब समय पर काम होने के बाद समय पर भुगतान हो, उसका भी क्लस्टर बनाया जाए। अगर भुगतान नहीं हो रहा है समय पर तो सेक्रेटरी और जो भी कर्मचारी लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमारे साथ जो भी विकास करने में बाधाएं आ रही हैं उस बाधाओं को ख़त्म किया जाए। और हमारी जो भी समस्याएं हैं, जैसे कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति हुई, महिला समूह की नियुक्ति हुई, वो बिजली बिल का भुगतान करना हो, ये सारी समस्याओं के
समाधान के लिए एक नियम बनाया जाए और उस नियम के तहत हमारी ग्राम पंचायत से फंड ना करके उसके लिए अलग से फंड किया जाए। हमारे पास छोटी सी निधि है, उस निधि से आप पैसा दे देंगे तो हम गांव का विकास कहां से करेंगे। और हम गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाली मरम्मत हो, पेयजल की समस्या हो, स्कूल का कायाकल्प हो, रोड हो, सामुदायिक शौचालय हो, पंचायत भवन का मेंटेनेंस हो, अन्य तमाम ऐसी समस्याएं हैं, हम जनप्रतिनिधि, हम ग्राम प्रधान जो जमीन पर लकीर खींचते हैं, विधायक जी, सांसद जी और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि उस पर काम करा के अपना बोर्ड लगवाते हैं और हम जनता से भीख मांगकर उस विकास कार्य करने के लिए जमीन लेते हैं और जमीन लेने के बाद उस जमीन का कर्ज हम उसका बहुत रूप में चुकाते हैं। और ये बात सिर्फ प्रधान भाई समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। हमारे साथ तमाम ऐसे उत्पीड़न हो रहे हैं, हमारा मानदेय कम है, हमारा काम ज़्यादा है और जो शिक्षक 60 से 70 हज़ार वेतन पाता है, ना उसकी टाइम आने की, ना जाने की टाइम है, ना उनकी जांच होती है, ना उन पर अंकुश लगाया जाता है और जो भी सरकार पैसा देती है उसका दुरुपयोग होता है, ना उसके खिलाफ कोई जांच होती है। हमको पैसा भी कम दिया जा रहा है, हमको आधी मजदूरी भी कम दिया जा रहा है, उस मजदूरी में कमीशन भी मांगा जा रहा है और हमारी समस्या के लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं उनसे वो हमसे कमीशन भी लेते हैं, हमारी समस्या के लिए सरकार से वेतन भी लेते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से उनके बच्चे पलते हैं और हमारे ऊपर वही कर्मचारी FIR भी करता है। और हमारे साथ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो मैं अल्फाज नहीं दे सकता, जो शब्द नहीं दे सकता, समय का आज अभाव है। और अगला कार्यक्रम 2 बजे हमारा अहरौला ब्लाक में लगा है और हम 22 ब्लाक जाके सभी अपने प्रधान भाइयों को बेदार करेंगे, जगाएंगे कि अपने अधिकार को समझिए, अपनी समस्याओं को लोगों से बताइए। जो व्यवस्था तो हम लोग दुकान नहीं चला सकते, खत्म हो जाएंगे, जो ऐसे नहीं रहेगा खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तमाम छोटेदार हमारे जानने वाले लोग भी हैं तो उनकी शिकायतें ये हैं कि जहाँ से आप राशन का उठान करते हैं वहाँ बोरे के पीछे 5-6 किलो जो है कम मिलता है बोरे में, कहाँ तक सच्चाई है? यह सही सर है, जो बोरा जब तौला जाता है जिस समय खाद्यान्न किसानों से लिया जाता है तो 50 किलो 550 किलो 600 ग्राम दिया जाता है, जब हमको वही बोरा दिया जाता है बांटने के लिए तो 53-54 किलो का हो जाता है, वो कैसे होता है वो समझ नहीं आता हम लोग। तो हम तो समय समय पर तमाम चीज़ों को ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन आप लोग इसके लिए क्या करते हैं कि आपको जो राशन कम मिल रहा है उसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाते हैं आप लोग? हम लोग कई बार कहे, ये मार्केटिंग में इतने माफिया उसमें हैं कि हम लोगों की बात को दबा दिया जाता है। मार्केटिंग विभाग या हम नहीं, पूरी सरकार भी जान गई है, जो नया शासनादेश आया हुआ है मार्केटिंग को समाप्त कर दिया गया है, उसमें 1-स्टेप डिलीवरी में मार्केटिंग को समाप्त कर दिया गया है। ये अधिकारी नहीं उसको लागू करना चाह रहे हैं क्योंकि वह समाप्त हो जा रहे हैं, अगर वह समाप्त हो जाएंगे तो हमारी भ्रष्टाचार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। तकरीबन एक पुटेदार कम से कम 15-16 क्विंटल का खाद्यान्न उठाते होंगे, तो अगर बोरी पीछे अगर 4-5 किलो भी कम होता है अगर, तब तो अच्छा खासा एक प्रतिशत हो गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मजबूर होंगे जनता को कम देने के लिए। जनता को मजबूरी है, गांव के व्यक्ति हैं, हमारी मजबूरी को समझते हैं, हम हाथ गोड़ जोड़ते हैं उनको, लास्ट में जो आते हैं कम पाते हैं, कम हाथ गोड़ जोड़ के किसी तरह अपना इज्जत बचाते हैं, लेकिन अब वो स्थिति खत्म हो गई है, अब वह नहीं होने वाला है क्योंकि सब लोग जागरूक हो गए हैं। इस नाते हम लोग अब जागरूक हो गए हैं, जब तक हमको अब जहां डोर स्टेप डिलीवरी है सरकार में, अभी तक जहां डोर स्टेप डिलीवरी चली है वहां यह अधिकार है कि ठेकेदार खुददार को घर तक पहुंचाएगा। अब हम आगे 21 तारीख से जो उठान होगी सितंबर की, मार्टिनगंज ब्लॉक की सितंबर की जो उठान होगी, चलान जमा करके हम घर बैठेंगे, अगर माल हमारे यहाँ नहीं पहुंचेगा उसकी सारी जिम्मेदारी ठेकेदार के और प्रशासन की होगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपकी इस लड़ाई में हम मीडिया भी आपके साथ में है। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।